अच्छा, लास्ट वीडियो तक हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे। माइटोसिस को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला था कैरियोकाइनोसिस, जिसमें हमने बात की थी न्यूक्लियस के डिवीजन की। सेकंड था साइटोकाइनोसिस, साइटोवर्ल्ड बना था, साइटोप्लाज्म, जिसमें हमने बात की थी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। दूसरी बात हमने ये कही थी, ये जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है कहाँ पे होता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर और जर्म सेल्स के अंदर पाया जाता है। सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स के अंदर पाया जाता है। सोमेटिक सेल ऐसी होती है जो कि बॉडी के डिटर्मिनेशन में या फॉर्मेशन में, ठीक है ना, हेल्प करती है। ओके, और जेंडर का डिटर्मिनेशन कौन करता है, जर्म सेल्स करती है। जेंडर का डिटर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, जर्म सेल्स करती है। मतलब या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इसको डिटरमाइन करने का, इसको फिक्स करने का काम कौन करता है, जर्म सेल्स करते हैं। सोमेटिक सेल पूरी की पूरी होल बॉडी जो कि मेल और फीमेल की समान होती है उसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले कैरियोकाइनोसिस की। फर्स्ट नंबर पे आता है कैरियोकाइनोसिस। इसको यहाँ पे वेल डिफाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में डिवीज़न हो, और डिवीज़न से भी हम मतलब क्या कहते हैं, इस प्रकार के सेल हो, सेल के अंदर क्या, यहाँ एक सेल बना दी हमने, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो, होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, इन क्रोमोसोम्स में क्या क्या चेंजेस आए, क्रोमोसोम में समय के साथ टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस आए। तो इसको इस प्रकार से एक शॉर्ट लाइन में लिख देते हैं, इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस के डिवीजन को करते हैं, रेगुलेट को शो करता है, ठीक है ना। इसको हम लोग इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर फेजेस। इसको क्या कर दिया हमने, फोर फेजेस में बांट दिया है। इसको क्या कर दिया हमने, फोर फेजेस में बांट दिया है। ओके, तो इसमें यहाँ पे स्मॉल फर्स्ट वाला, रोमन वाला फर्स्ट लगाते हैं, यहाँ पे नंबर न्यूमेरिकल वाला लगाया था हमने, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज होती है इसकी प्रोफेज। इसको अगर थोड़ा सा तोड़ के देखा जाए, प्रोफेज को अगर थोड़ा सा क्या किया जाए, तोड़ के या ब्रीक करके देखा जाए, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रो का मतलब होता है क्या, पुराना, फेज का मतलब होता है स्टेज, ठीक है ना। ऐसी कोई स्टेज जिसमें क्रोमोसोम क्या होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा थिन हो जाएंगे, क्योंकि ये इंटरफेस के बाद की अवस्था है, क्योंकि ये इंटरफेस के बाद की स्टेज है। इसमें भी क्या होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, थिन होंगे और लंबे पाए जाएंगे, धागे के समान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है ना। हमने पहले बात की थी, जैसे एक याद यदि एक यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया जाए, आपको पहले क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ाई है। तो इसको हम बोलते हैं, हम जो बीच में पाया जाता है, ये जो हाफ क्रोमोसोम है, ये दोनों तरफ विंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड बोलते हैं इनको, ठीक है ना। बीच में जो सेंटर में डार्क पोर्शन होता है, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। ये दोनों क्रोमेटिड को जोड़ के रखने का काम करता है, और ये दोनों क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते, सॉरी, क्रोमोसोम का कर देंगे फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है ना। अभी जो सेंट्रोमियर इसमें बनाया जाता है, प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट पाया जाता है। तो इसको अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाए तो इस प्रकार से कुछ हम डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हो जाएगी सेल वॉल, नीचे की तरफ हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। ये हो जाएगी आपके पास सेल वॉल, अंदर की तरफ हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन।
अब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ये हो जाएगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये हो जाएगी आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यहाँ पे पाया जाता है साइटोप्लाज्म, ये हमने पहले ही बात की हुई है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है, और जो बहुत ज़्यादा पतले थ्रेड लाइक क्या पाए जाएंगे, थिन, हमने क्या बात की है, क्रोमोसोम्स, धागे के समान क्या होंगे, क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। यहाँ पे हो जाते हैं क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर की हमने क्या बोला है, प्रोफेज बोला है। जो इसके नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, थोड़े से विजिबल होने लगेंगे और सेंटर की तरफ जाने लगेंगे क्रोमोसोम, जिसको हम लोग आगे देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ जो होगा आगे की स्टेज में, अगर लेट प्रोफेज की यदि बात की जाए, लेट प्रोफेज की यदि बात की जाए, तो इसमें अंदर की तरफ एस्टर रेस का फॉर्मेशन, या कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। जिस पे क्रोमोसोम लगे हुए पाए जाते हैं, जिस पे क्या होगा, क्रोमोसोम लगे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रोफेज को यदि लिखते हैं हम, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, द क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल लाइक थिन, जो कि हमने थिन ही बनाए, ठीक है ना, थिन एंड लॉन्ग, हमने भी क्या बनाया, लॉन्ग बनाया, एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक, ठीक है ना, थ्रेड लाइक। द सेंट्रोमियर, जो कि इनके बीच में पाया जाता है, सेंट्रोमियर इज डिस्टिंक्ट, दिखाई नहीं देता, इज डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। कुछ समय बाद क्या होगा, ये तो हो जाती है अर्ली प्रोफेज की बात, क्या हो जाती है, प्रोफेज की बात। इसके बाद में थोड़ा सा हम सेकेंड स्टेज की तरफ चले, उससे पहले ही एक स्टेज और आती है, इसमें थोड़े से चेंजेस होने लगते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लेट प्रोफेज। यहाँ लिख देते हैं इन, लेट का मतलब होता है बाद की अवस्था, लेट प्रोफेज, इन लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज की स्टेज में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बनाई है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बनाई है, न्यूक्लियोलस हमने बनाया, ये क्या होने लग जाता है, डिसइंटीग्रेटेड होने लग जाता है, मतलब रप्चर होने लग जाता है, ठीक है ना। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस फाइनली गेट डिसइंटीग्रेटेड ठीक है ना। ये क्या होने लग जाता है, डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में, मतलब रप्चर होने लग जाता है, ठीक है ना, रप्चर होने लग जाता है। एक पोल यहाँ पे बनेगा, उसमें एक पोल यहाँ पे बनेगा, दोनों पोल को बोलते हैं अपोजिट, ठीक है ना। ये यहाँ पे दूसरा इसके सामने की तरफ बनेगा, हमेशा अपोजिट एंड पे बनेगा। ये जो पोल्स होते हैं जिनके ऊपर ये क्रोमोसोम्स आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करने का काम करेंगे, इन पोल्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल्स, ठीक है ना। इन पोल्स को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है ना, बोथ द सेंट्रियोल्स, बोथ, एक यहाँ पे, इसको भी लगा देते हैं, बोथ द सेंट्रियोल्स रीच अल्टीमेटली टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है ना। अपोजिट पोल की ओर ये क्या होने लग जाते हैं, जाने लग जाते हैं, ठीक है ना। और किस चीज़ का,
अपोजिट पोल सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे, एस्टर रेस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। द सेंट्रियोल्स, द सेंट्रियोल्स पार्ट फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर, पार्ट फ्रॉम द स्पिंडल फाइबर, किस चीज़ का, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करने लग जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने लग जाएगा, जिसके ऊपर एक क्रोमोसोम सिचुएटेड पाए जाएंगे। ओके, ये कंडीशन हो जाती है आपके पास ये प्रोफेज की। उसके बाद में सेकेंड स्टेज आती है आपके पास मेटाफेज, मेटा मेटा का मतलब होता है मिड, मिड फेज, बीच वाला, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बीच वाला। अभी हमने बात की थी क्रोमोसोम्स क्या लग गए किस पर, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया लेट प्रोफेज में, न्यूक्लियोलस इनविजिबल हो चुका है, सेंट्रियोल्स पे क्या होने लग गया, अपोजिट पोल पे चले गए, और एस्टरडेज का फॉर्मेशन होने, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लग गया है, ठीक है ना। एक कंडीशन आएगी उसके बाद की, ये ठीक है, ये आएगी यहाँ पे हो जाएगी, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने बात की थी लास्ट में लेट प्रोफेज में, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, इसीलिए हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे भी हमने बनाए, यहाँ पे भी अपोजिट एंड पे क्या पाए जाएंगे, सेंट्रियोल्स पाए जाएंगे। ओके, सेंट्रियोल्स किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर रेस का, सेंट्रियोल्स किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, एस्टर रेस का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके ऊपर क्या होगा, क्रोमोसोम सिचुएटेड पाए जाएंगे, जिसके ऊपर क्या होगा, क्रोमोसोम जो है सिचुएटेड पाए जाएंगे, ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट है। यहाँ से सेल को हम लोग, ये न्यूक्लियस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे इस प्लेट से, इसीलिए इसको बोला है मिड फेज, जहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, बिल्कुल कहाँ आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, इधर से इसकी भी दूरी इतनी ही है, इसकी भी दूरी इतनी ही है, तो एक प्लेट पर आ चुके हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। इसके अंदर क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, कुछ क्रोमोसोम इस तरफ से आए, कुछ क्रोमोसोम इस तरफ से आए, और आपस में क्या हो गए, जीन एक्सचेंज का काम करेंगे, ठीक है ना, जीन एक्सचेंज का काम करेंगे। ये होते हैं स्पिंडल फाइबर, ये क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये होती है मेटाफेज प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, क्रोमोसोम लगे हुए पाए जाते हैं। तो इस पर हमने बोला है मिड कंडीशन में जब भी आ जाएगा क्रोमोसोम, जब भी कहाँ आ जाए, मिड कंडीशन में क्रोमोसोम्स आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा फेज बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा फेज। एक कंडीशन हमने बनाई थी प्रोफेज की, एक कंडीशन क्या बनाई थी हमने, प्रोफेज की बनाई, प्रोफेज की कंडीशन में हमने ये बात की, प्रोफेज की जो कंडीशन थी हमने ये बात की, उसमें जो न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रप्चर हो जाएंगे सेल वो, इसके अंदर सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे, ठीक है ना, अपोजिट पोल पे आने का कारण यही होता है कि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कर सके, क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्पिंडल फाइबर्स से बंधे हुए पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स होंगे जो स्पिंडल फाइबर्स से क्या होंगे, बंधे हुए पाए जाते हैं, जो कि नेक्स्ट कंडीशन हमने बनाई है यहाँ पे, जो कि हमने नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे बनाई है, ठीक है ना। इसके जो जीन एक्सचेंज होगा,
इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये हमने कंडीशन बनाई है, डायग्राम बनाया है मेटा फेज का। ये डायग्राम हमने बनाया है मेटा फेज का, हमने डायग्राम बनाया है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।